नमस्कार, मैं हूं गीता अंजलि और आप देख रहे हैं सूर्यादित्य न्यूज। आई रुक करते हैं खबरों की तरफ। गाजियाबाद के मोदी नगर राज चोपड़ा स्थित आरोग्य हार्ट एंड जनरल हॉस्पिटल के संचालक डॉक्टर सचित गोयल द्वारा दीपावली मिलन समारोह कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दीपावली मिलन समारोह में मुख्य अतिथि रहे मोदी नगर नगरपालिका चेयरमैन विनोद जाटा वैशाली, निवाड़ी चेयरमैन अनिल त्यागी, ब्रजवीर धैया, सांसद प्रतिनिधि विनोद गोस्वामी एवं आरोग्य हार्ट एंड जनरल हॉस्पिटल के संरक्षक राम अवतार का डॉक्टर सचित गोयल द्वारा फूल माला पहनाकर जोरदार स्वागत किया। इस मौके पर डॉक्टर अविनाश त्यागी, सभासद मोनू धामा, सूबे सिंह, सोनू कुमार, गणमान्य लोग उपस्थित रहे। और मंच पे बैठे मेरे सभी गणों को प्रणाम, सामने बैठे को प्रणाम, मेरे सभासद भाई, प्रेस वाले भाई सभी बैठे हैं, सभी को दीपावली की अग्रिम शुभकामनाएं। और ये हमारे लिए बहुत अच्छा है कि अभी मोदी नगर में जैसा रचित लोक सभा ने बनाया है, हमें थोड़ी जानकारी कम है, कभी भी कुछ होता है हम तो लेके एकदम मेरठ की साइड भागते हैं, भागते हैं। तो ये बहुत ही हमारे लिए गर्व की बात है कि अपने शहर में भी ऐसी सुविधा होने जा रही है और अभी है, तो हम इसमें काफ़ी अच्छी जान बचा सकते हैं। जो लेके अभी तक हमारे दिमाग में रहता है कि इतने मेरठ पहुँचेंगे, उन डॉक्टरों के पास पहुँचा सकते, उनके पास सुविधा नहीं है, मजबूरी भी है कि उनके हमें पता ही नहीं है, तो ये देख सकते हैं, लेकिन इतने नज़दीक ये खुल गया, ये हमें उन्होंने जो शहर को दिया है उसके लिए हम इनका धन्यवाद करते हैं। और प्रयास करेंगे कि हम नगर पालिका में हैं, हमसे संबंधित कोई आपकी वो हो तो उसके लिए हम तैयार रहेंगे, हमारे सभासद भाई भी और हम भी। तो जो आप कार्य कर रहे हैं बाबू जी, और आपके आशीर्वाद से इस शहर में ऐसी उन्नति के हॉस्पिटल खुल जाए तो हम मेरठ और गाजियाबाद की तरफ ना जाना पड़े, यही हमें ये सुविधा मिल जाए तो ये हमारे लिए गर्व की बात है। और पुनः आपको उस कार्य के लिए बधाई और दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। वैसे तो हमारा शहर मोदी नगर डॉक्टरों की मंडी के नाम से भी जाना जाता है दूर दूर तक। वास्तव में जिस चीज की जरूरत मोदी नगर शहर में थी वो मैं डॉक्टर साहब सचिन गोयल जी ने और उनकी जो भी टीम में है उन्होंने कर दिखाया है। जब भी कभी किसी को थोड़ी सी दिक्कत रात में हुई तो पता चला हम रात में आए, कभी किसी ने मेरठ भेज दिया, कभी किसी ने गाजियाबाद भेज दिया, किसी ने दिल्ली भेज दिया, जब भी मतलब पता चला इतने हम वहाँ गए, इतने कोई हम नहीं हो चुके होते। तो हम डॉक्टर को इस बात दिलाते हैं कि हम डॉक्टर साहब जो हमारा हमारी जैसी भी जरूरत आपके लिए है चौबीस घंटे हमारे आटे हो गया। इस बार पुनः आपको आरोग्य हार्ट हॉस्पिटल की टीम को हार्दिक धन्यवाद और शुभकामनाएं देता हूं। और मुझे पूर्ण उम्मीद है कि लोकल और मीडियम क्लास लोग जो यहां से दिल्ली, फरीदाबाद, मेरठ इधर दूर जाते हैं तो सस्ते में इलाज भी मिलेगा। और मुझे पूर्ण उम्मीद है कि ये क्योंकि हमारे यहाँ लोकल के रहने वाले हैं, यहीं से निकले तो सस्ते में इलाज कराएंगे और उन्हें राहत देंगे। इसी के साथ आपको मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं और दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। जैसा हमारे हॉस्पिटल के नाम से विदित है आरोग्य हार्ट एंड जनरल हॉस्पिटल, उसमें हार्ट है। हमारे पास हार्ट की सुपर स्पेशलिटी सर्विसेज अवेलेबल है। हार्ट की समस्त रोग जिनमें आजकल बहुत ज़्यादा कॉमन है, हार्ट की प्रॉब्लम, हार्ट अटैक, हार्ट फेलियर, कार्डियक अरेस्ट, इस तरह की चीज़ें जो समाज में और बहुत कम उम्र में भी आज के टाइम में एक बड़ा विकराल रूप धारण कर चुकी है, इन अस्पताल में मौजूद है। और मैं बहुत खुशी के साथ सभी लोगों को ये भी सूचित करना चाहता हूँ कि बहुत जल्द हम लोग अपने अस्पताल में कैथ लैब है जिसमें हार्ट के अंदर एंजियोग्राफी, एंजियोग्राफी स्टेंटिंग, पेसमेकर आदि के जो प्रोसीजर जो अभी तक गाजियाबाद, मेरठ या दिल्ली में ही अवेलेबल थे वो सब चीज़ें शुरू हो गई हैं। अस्पताल में मशीन आ चुकी है, ट्रीटमेंट विकल्प अभी साधारण जनता की पहुंच में नहीं थे। हमारा प्रयास है कि उन ट्रीटमेंट विकल्प को एक आम आदमी की पहुंच में बनाया जाए। कितनी बार हार्ट की परेशानी के साथ में मरीज आता है, बड़ी जगह के काम पर जाने में रास्ते में ही जान की खतरे की स्थिति बन जाती है। जो ट्रांजिट टाइम है वो ज्यादा होने की वजह से कितने ही बहुमूल्य जाने उनको गंवा देते हैं। हमारा प्रयास है कि उस ट्रांजिट टाइम को कम कर दिया जाए। जो फैसिलिटी लेने के लिए मरीज को दूर जाना पड़ता है वो फैसिलिटी मरीज तक खुद पहुंचे जिससे
तस्वीरों की आपसे मुलाकात। हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। नमस्कार।